बरसों का मी बरस रहा है। वो एक फकीर था, वो बाजार में खड़ा रो रहा था। किसी ने रुक के पूछा, कहा बाबा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? किसी ने मारा है, तंग किया है, भूख की शिद्दत है, क्या मार रहा है? कहा ना बाबा ये मेरे मसले नहीं है। कहा फिर क्यों खड़े हो? वो मजजूब था। कहने लगा मेरा प्रोग्राम बना के बंदों की और रब की सुलह करवा दो। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा वो तो मानते हैं, ये नहीं मानते। वो तो कहता है ले आए ने मेरी दहलीज पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दो, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। ऐसा प्यार हो गया दुनिया से, मेरी बात ही नहीं समझते। मैं इन्हें समझाता हूं, आगे से मुझे पत्थर मारते हैं। मैं इनकी खैर के लिए इनको कहानी सुना रहा हूं, मियां ये दुनिया आ रही है, लेकिन ये मुझे घूर घूर के देखते हैं। मुझे इनकी अकल पे रोना आ रहा है। वो कहता है ले आ मेरी चौखट पे, अभी माफ कर दूंगा, एक आंसू से सारे गुनाह धो डालूंगा, समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह है तो मिटा डालूंगा, लेकिन ये समझते नहीं है। खैर वो चला गया। अगले दिन गया तो कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो वो फकीर वहां खड़ा रो रहा था। वो फिर रो गया, कहा बाबा अजीब कहानी है तेरी, बाजारों में भी रोता है और कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या मसला है? कहा आज मेरा कल वाला ही मसला है। कहा आज क्या मसला है? कहा आज मैं इधर आया था कि इनकी और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा आज फिर क्या बना? कहा आज ये मानते हैं, वो नहीं मानता। तो कबल इससे कि वो वक्त आए कि फिर वो ना माने, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल कयामत को ना मानेंगे अगर मान गया। तो ये थोड़ा वक्त है जिंदगी का, इस जिंदगी को गनीमत समझें।